हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा जो गूगल एडसेंस है उसमें जो प्रॉब्लम आती है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि मेरी ऐसी टेक्निकल रिलेटेड वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास एक गूगल एडसेंस की आईडी है जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ लिखा है, प्लीज फिक्स द इशू वी फाउंड, प्रोसीड विद कनेक्टिंग योर साइट। तो अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी टेक्निकल रिलेटेड वीडियोज आपको मिल सके पहले। तो इसके लिए आप इसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, इसकी प्रॉब्लम कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, आपको क्या करना है, ये प्रॉब्लम क्यों आती है। जब जैसे मान लीजिए हमारा एड्रेस पहले से कहीं कोई दूसरी आईडी में लगा हुआ है और वापस हम वही एड्रेस लगा देते हैं तो ये हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। या जैसे मान लीजिए या हमारी कोई साइट में जिसमें हम लगा रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपना गूगल ओपन करना है। जैसे मान लीजिए ये गूगल डैशबोर्ड, आपको सर्च करना है गूगल डैशबोर्ड। गूगल डैशबोर्ड आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने जो पहली साइट आएगी, सबसे पहली इस पर आपको क्लिक करना है। ये मान लीजिए ये जैसे मैंने ओपन किया ये गूगल अपना जो भी है, तो अब आपको क्या करना है, मान लीजिए होम पेज पे आते हैं अपन। यहाँ आप आएंगे जैसे ही, तो यहाँ आपको सबसे नीचे जो ऑप्शन देखने को मिलेगा पेमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन, तो आपको सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा पेमेंट मेथड, आपको इसको पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करना है। पेमेंट मेथड के ऊपर आप जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ आपको साइड में एक दिखेगा सेटिंग का ऑप्शन, तो आपको सिंपल सा सेटिंग्स पर क्लिक करना है। तो आपको आपने अगर ये वीडियो अगर लास्ट तक नहीं देखा और एक भी स्टेप मिस किया तो हो सकता है आपका गूगल एडसेंस वापस से वो वर्क ना करे। तो जैसे मान लीजिए ये है जैसे, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ ये जो सब दिख रहा है इनको सबको छोड़िए, आपको आना सबसे नीचे, यहाँ आपको दिखेगा क्लोज पेमेंट प्रोफाइल्स। ये जैसे पेमेंट ये हमारी है आईडी वगैरह, जैसे ये मान लीजिए हमारा गूगल एडसेंस पहले ही बना हुआ है इसलिए हमारे सामने ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे नीचे जाना है। जैसे मैं चला जाता हूँ, यहाँ आपको सबसे नीचे जाने के बाद यहाँ आपको दिखेगा क्लोज पेमेंट्स प्रोफाइल, तो आपको सिंपल सा इसको क्लोज कर देना है। क्लोज पे आप क्लिक करके, जैसे आप क्लोज पे क्लिक करोगे यहाँ आपके सामने पासवर्ड पूछेगा, तो यहाँ आपको वो पासवर्ड डाल देना है जो आपकी आईडी के हैं। तो जैसे मैं अपनी आईडी के पासवर्ड डाल देता हूँ इसमें, ये जैसे मैंने पासवर्ड डाल दिया, अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है सिंपल सा। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करने के बाद ये देखिए ये एरर आ रहा है कि पेमेंट प्रोफाइल क्लोज नहीं हो पा रही, तो आपको ओके करना है। पासवर्ड डालने के बाद अगर आपका हो जाता है तो ठीक है, वरना अगर आपको भी कुछ ऐसा एरर आता है तो उसका भी मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको आगे। तो यहाँ आपको एक नया टैब ओपन करना है और उसमें एक ये टाइप करना है गूगल एड्स, जो कि मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। इसमें थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपके पास ये जो लिंक आएगी गेट मोर कस्टमर विथ इजी एडवर्टाइजमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ सिंपल सा साइन इन कर लेना है आपके अकाउंट से। अब जैसे ही ये साइन इन होगा ऑटोमेटिकली उसी आईडी से साइन इन करना आपको जिसमें आपका ये लगा हुआ है एडसेंस। फिर जैसे ये ओपन होगा, अभी हम कंप्लीट इसको लोड होने देते हैं, फिर आपको क्या करना है, यहाँ आपको ऊपर दिख रहा होगा एक टूल एंड सेटिंग्स का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जो ये सेटअप वाला है, सेटअप में आपको दिखेगा प्रेफरेंस, तो आपको सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ आपको दिखेगा अकाउंट स्टेटस, अकाउंट स्टेटस ये भी एक्टिव है तो हमें इसी को इसको अनएक्टिव करना है। तो यहाँ आपको दिखाई देगा नीचे, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे कैंसिल माई अकाउंट,
तो आपको सिंपल सा करना है कैंसिल अकाउंट। कैंसिल अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको वापस से उसी पेज में जाना है जिसमें ये आपका हमें क्लोज करना था अपना अकाउंट। हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे हमने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद वापस से आपको करना है क्लोज पेमेंट प्रोफाइल। यहाँ आपको सिंपल सा वापस से पासवर्ड डालना है अपने अकाउंट का। पासवर्ड डाल के आपको एंटर करना है। एक सेकेंड, जैसे ही आप करोगे आपके सामने और ये ऑप्शन आ चुका है, देखिए क्लोजिंग योर प्रोफाइल। यहाँ आपको रीज़न दे देना है कुछ भी, मान लीजिए जैसे मैं कुछ भी रीज़न दे देता हूँ, ये दे दिया मैंने, और कंटिन्यू पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। क्लिक करके आपको करना है क्लोज पेमेंट प्रोफाइल। तो ये अपना क्लोज हो गया अकाउंट। क्लोज होने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो पहले तो लाइक करना है। लाइक करने के बाद आपको सिंपल सा वापस से अपने गूगल एडसेंस वाले अकाउंट पे जाना है और इसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं एकदम से नया पेमेंट का जो आया है हमारे पास वो आ चुका है, नया मतलब रीस्टार्ट हो चुका है वापस से ये। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको एड्रेस वापस चेंज करना है, सेम एड्रेस नहीं डालना है आपको इसमें, एड्रेस चेंज करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका अप्रूवल हो जाएगा। तो यही था आज के इस वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि मेरी ऐसी टेक्निकल रिलेटेड वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।